यस फुटस्टेप्स मेरे को इजीली पता चल रहा था कि हाँ वो पक्का बास्केटबॉल कोर्ट वाले एरिया में है, तो मैंने सोचा एक सेकेंडरी वेपन भी उठा लेता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, देखो देखो बंदा सामने दिख रहा है भाई, लूट में इतना मगन भी नहीं होना चाहिए, फिलहाल इजीली मरेगा ये बचा रहा है। इतने मन के साथ लूट कर रहा था यहाँ पे कि हाँ ये उठाऊंगा, ये कैम उठाऊंगा, भाई जान उठाऊंगा, लेकिन वो सारी लूट मेरी हो जाती है। फिलहाल मैं इसकी तरह मगन नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे और भी बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे। फिलहाल वो फुटस्टेप्स अब तुम सुनो, सुनने की जरूरत नहीं है। वो बंदा देखो सामने अंदर जाता दिख चुका होगा, बढ़िया बढ़िया आउटफिट थी उस बंदे के पास, मुझे लगा थोड़ा ठीक प्लेयर होगा, देखते हैं। तो इजीली इस बंदे को मैंने यहाँ पे मार दिया, और मेरे ख्याल से वाली आउटफिट फ्री में मिलती है ना, फ्री में मिलती तो मेरे पास भी होनी चाहिए यार ये, पर कोई नहीं। यहाँ से देखो मैंने एयर का सप्रेसर उठा लिया, अब मुझे लगा था ज़्यादा कुछ और बंदे नहीं होंगे, क्योंकि इतने कुछ यू नो भीड़ आती मेरे को दिखी नहीं थी, पैराशूट की आवाज़ से पता चल जाता है, तो पहले तो मैं हल्का सा हील कर लेता हूँ, लेकिन अब पता चलता है बीड़ू ऊपर एक बंदा है। आई ना सॉलिड फुटस्टेप्स की आवाज़, तो मैं देखो उस तरफ चला देता हूँ, क्योंकि वो बंदा देखो इस तरफ कहीं से टिप भी ले रहा था, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा यहाँ से सरप्राइज अटैक दे सकता हूँ मैं, तो मैं अब देखना आगे की तरफ गया, और अब ये बंदा यहाँ की टिप्पी पे ले रहा था, और मैं बिल्कुल श्योर था भाई यहीं पे, वो देखो एकदम से ऊपर की तरफ गया। तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन नहीं थी, मुझे पता ही था भाई, साउंड से इजीली पता चल जाता है। भागो भागो, क्योंकि अब इस बंदे का पलड़ा बहुत भारी है भाई, देखो आधी हेल्थ मेरी कर दी, फिलहाल मैं हील कर लूंगा तो बिल्कुल सही रहेगा, हील मैंने करा, लेकिन इस बंदे को भी पता चल चुका था साउंड से कि मैं इधर हूं। वैसे इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते अगर आप लोग इस बंदे की जगह होते, तो देखो नीचे तो बिल्कुल नहीं छुपते, देखा ना क्या आश्चर्य हुआ इसका, बता ना मेरे से जरूर। फिलहाल 3 किल हो पाते हैं, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि ये कुछ सुना मुझे ये इत्तू सा, ये देखो नीचे एक बंदा गया, लेकिन ये बंदा था बॉट नहीं था, तो इसके किल को एक तरह से क्या ही काउंट करा जाए। अब मैं देखो इस बॉट को मारने चल देता हूं, मुझे लगा भाई एक तरह से पूरी स्क्वाड मार दूंगा मैं, 4 किल हो जाएंगे, तो चलो इसको मैं मार ही लेता हूं। और बहुत अच्छा हुआ इस बंदे को मैं यहाँ पे मार रहा है, मतलब इस बॉट को, क्योंकि साइड में जो बंदा UMP 45 चला रहा है ना, इसका मुझे पता नहीं चल पाता। फिलहाल ये देखो यहीं आसपास कहीं, वो देखो इसकी शक्ल दिखी मुझे, बच गया बस मैं यहाँ पे, क्योंकि इस बंदे को भी मैं स्पोर्ट हो जाता हूँ। मुझे लगा भाई अभी बस नया नया बंदे को मारा इसने, तो क्या पता हील वगैरह करेगा, रिलोड करेगा, रिलोड तो एक कर रहा था, लेकिन मैंने उससे पहले शूट करना शुरू कर दिया, कोई नहीं एडवांटेज था मेरे पास। फिलहाल मुझे यहाँ पे एक यूएस की आवाज़ आती है, दिखती भी है, बहुत अच्छे, थोड़ा सा मैंने डैमेज दिया, और इस बार देखना कितना डैमेज देता हूँ। हाँ, गाड़ी को भी दिया कि नहीं, क्योंकि कुछ गोली पीछे पीछे जा रही थी मेरी, लेकिन नहीं यार। फिलहाल मैं देखो स्कीकर के यहाँ से निकलता हूँ, मुझे लगा वो बंदा निकल गया होगा, लेकिन नहीं, बंदे ने मेरे को एक और चांस दिया कि भाई मेरे को डैमेज देख के देखे एक बार, तू गाड़ी की गोली मत मारियो। और मैं इस बार भी गाड़ी की गोली मारता हूँ, आखिरकार वो बंदा हार मान जाता है, और उसने कहा कि ले इस बार मैं ही गाड़ी से उतर रहा हूँ, लेकिन वो देखो शैक के कवर में चला जाता है, तो मैंने वहाँ पर जल्दी से स्टंट फेंका जिससे मैं इंस्टेंटली रश कर दूँ। वैसे काफ़ी खतरा है इस बंदे पे रश करने में, क्योंकि नहीं ये बंदा इतना प्रो नहीं है, वो देखो साइड से डाश गया, बस इसी का डर था भाई थर्ड पार्टी वगैरह हो जाए, क्योंकि ये गाड़ियाँ चल रही थी आसपास काफ़ी। फिलहाल मैं डब्बे के अंदर गया, और देखते हैं इसे, वैसे उल्टा हो गया यार, मैं इस बंदे को देखने जा रहा था, लेकिन ये बंदे ने मेरे को देखा, मैं शूट कर रहा था इजीली, लेकिन ये बंदा देखता ही रहा कि हाँ ठीक है मर रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो चुका था अभी तक तो, क्योंकि इतने सही मस्त प्लेयर मेरे को मिल नहीं रहे थे। वैसे मैं अभी लो टीयर पे हूँ काफ़ी, तो मस्त प्लेयर कैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने सोलो थोड़ा कम ही खेला है। हाँ मैंने कहा था रैंक पुश स्टार्ट करूंगा, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो मेरे को इंस्टेंटली पुश करना इतना वो नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं करूंगा जरूर, ये मेरा वादा है, ये सीजन एंड होने से पहले मैं रैंक पुश जरूर करूंगा सोलो में। फिलहाल जो भी हो, मैं यूएस लेके इसी डाशे वाले बंदे के पीछे निकल चुका था, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ पे एक बग्गी भी आ चुकी है। बग्गी कैसे आई यार, एकदम से गाड़ी चेंज कर ली बंदे ने, लेकिन अब जरा देखो सामने वो बग्गी के आगे वो वाला डाशिया वाला बंदा है भाई साहब, मैं भी इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। 3 गाड़ियाँ जा रही है भाई, कोई किसी को चेस कर रहा है, मैं इसको चेस कर रहा हूँ, बस मुझे कोई चेस नहीं कर रहा, इसलिए मैं ही हूँ यहाँ पे जो हूँ। अगर उन दोनों के आगे फाइट हुई तो मैं इजीली पीछे से थर्ड पार्टी कर सकता हूँ। तो हम देखो सीधे सीधे जा रहे थे, मैं सोचा ठीक है भाई चलते रहो, मैं भी नहीं उतरूंगा, कोई मत उतरो, दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन एक बंदा यहाँ पे थोड़ी शान पत्ती दिखाता है, और उससे ज़्यादा शान पत्ती मैं दिखा देता हूँ भाई। मैं उस डाशा पे एक फोकस करता रहेगा कि मैं आगे देख ही नहीं पाया भाई, वो कंटेनर आ चुका है और गाड़ी ठोक दी मैंने। फिलहाल इसमें धुआं निकल चुका है, लेकिन ये बंदा क्या खा के आया भाई, कहाँ तक गाड़ी चलाता रहेगा ये, मतलब गाड़ी चलाने आया क्या यार। मैंने कल भी बताया था बहुत सारे हैं गेम, बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले, अब इसका गेम बजने वाला है ब्रो।
तुमने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे वाले केस में ये जो भी मेरे साथ हो ना, यहाँ पे सफर का फल मीठा होता है बिल्कुल सूट करेगा भाई, क्योंकि मैं कहाँ से देखो गाड़ी चलाता हूँ, स्टेडियम से लेके यहाँ ओल्ड बेस भी क्रॉस कर दिया है, अब जाके बंदा पकड़ गया, उसके बाद भी भाई ने गाड़ी नहीं छोड़ी थी, गजब है भाई ये बंदे। फिलहाल वो जो याद होगा आपको, पीछे एक बंदा शाणपत्ती कर गया था बग्गी वाला, वो गाड़ी से उतर के यहाँ ओल्ड बेस में अपने जमा रहा था डेरा, क्योंकि यहाँ पे गोली चल रही थी। कसम से भाई मैं कोई चीटर होता ना, पक्का उड़ के पहुंच जाता ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने सुना ना भाई क्या ही फाइट हो रही थी ऊपर, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका था कि हाँ थर्ड पार्टी करके दोनों किल लपेट जाऊंगा, पर मैं थोड़ा ये देरी कर गया और वो दो किल मैं यहाँ से लपेट लेता हूँ बोट वगैरह मार के, काफी बोट मारे मैंने वैसे मैंने यहाँ पे, और मुझे काफी देर हो चुकी थी ओल्ड बेसिन में, और जोन भी एक तरह से ओल्ड बेसिन में था, तो मुझे पता था भाई यहाँ पे बंदे हैं या फिर नहीं, अरे यहीं पे यार मुझे नहीं पता होगा कि बंदे हैं या नहीं, तो मैंने सोचा अब निकलते भाई, जोन में तो बंदे हैं नहीं, जोन के बाहर ही रिसर्च कर लेते हैं, और रिसर्च करोगे तो भाई बहुत कुछ मिल जाता है, और यहाँ तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, गोली की आवाज़ आ गई सीधी, पता चल गया मेरे को यहाँ बंदे हो सकते हैं, बग्गी दिख गई मेरे को, मतलब बंदा भी कहीं ना कहीं होगा, तो मैं इस वाले घर के पास आया, नहीं यहाँ से कोई फुटस्टेप नहीं आया, मैं सोचा क्या सीन है, लेकिन तभी मेरे को देखो सामने बॉट दिखा, और ऊपर देखो स्कोर 11-11 हो चुका था, और मैंने वो देखा नहीं, नहीं तो मैं सच में इस बोट को मारता नहीं, वो 11-11 मेंटेन रहने देता, रियल प्लेयर होता तो मार देता, लेकिन बोट था ना। फिलहाल मैं गाड़ी लेके वापस उसी वाले घर के पास आया, और अब ये रहा बंदा, देखो ये रहा, और शिट हो गया भाई मेरे साथ कसम से, क्योंकि मैं सोच रहा था बंदे के पास एसएलके हो सकती है तो हल्की सी दूरी बना लेते हैं, लेकिन इसी बीच थर्डल से कोई बंदा इसको मार देता है, अब क्या कर सकते हैं भाई, उस थर्डल वाले बंदे को मार के संतुष्टि मिलेगी, गाड़ी घुमाता हूं मैं थर्डल वाले बंदे की तरफ ही निकलता हूं, यहां कहीं से गोली चली थी क्योंकि देखो जोन आ रहा था, जितना हो सकता है बंदे ने यहीं से ओपन से ही मारा होगा, तो मैं घुमा रहा था गाड़ी, बट बंदे का कोई नामो निशान नहीं है, तो मैंने सोचा भाई मेरे अलावा उसके अलावा अभी भी 6 बंदे बच रहे हैं, तो मैं क्यों इसके पीछे पागल हूं, जोन में निकलते हैं, लेकिन लेकिन लेफ्ट में देखो वो बंदा भाग रहा, किस्मत चाहती थी कि भाई मैं इसी 7वें बंदे को मारूं, तो मैं गाड़ी वापस से वहीं ले लेता हूं सीधा इस ब्रिज के पास, और ये बंदा देखो इस पेड़ के पास चला जाता है, खत्म है ब्रो तू अब। अब बंदा जिस तरह से मूव कर रहा था ना, मैं बता रहा इससे प्रो मेरे को कोई लग नहीं रहा था, लेकिन भाई का शायद जितना हो सकता है पिंग आया था, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से मूव कर रहा था, और शायद इसकी गोली भी नहीं लगी मेरे, मैं क्यों उसका इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे अलावा 5 बंदे बच रहे थे, मैं निकलता हूं जोन में यहाँ पे ओल्ड बेसिन में, और अब लगता है यहाँ बंदे आ चुके हैं, देखो ड्रॉप लूट चुका है, और मैं एकदम से डर गया भाई, आरपीजी वगैरह ना हो, कोई बंदा देख रहा होगा एकदम से भड़ूम कर देगा, लेकिन नहीं आरपीजी है इसमें, तो मैमो वगैरह उठा लेता हूँ, लेकिन अभी भी ऊपर से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो भाई ये कौन रियल प्लेयर है जो आरपीजी छोड़ के हेलमेट वेस्ट उठा ली उसने और आरपीजी छोड़ दी और वो ऊपर घूम रहा है। और देखो साइड से यूएस की आवाज भी आ रही थी, फिलहाल मेरे को इस बंदे पे फोकस करना था भाई, समझ नहीं आ रहा ये क्या बंदा है, देखो फुटस्टेप्स बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ बंदा मेरे ठीक सामने होगा, लेकिन वाह ब्रो ये बंदा है किस तरह, मुझे लगा बिल्कुल मेरे ठीक ऊपर चढ़ रखा होगा ये ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है भाई, ये समझ नहीं आ रहा ये बंदा था बोट था कहाँ है कहाँ, होना तो यहीं चाहिए क्योंकि ये जो जिस तरह से फुटस्टेप्स आ रहा है ना बंदे को ठीक छत पे ही होना चाहिए। अब मैं देखो इस टाइम पूरा कन्फ्यूज हो चुका था, तो मैंने सोचा भाई नेट टॉस करते हुए जाते हैं और फिर देखते हैं कुछ हो जाए तो यहाँ कहीं छुप रखा हो, लेकिन ना 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 बंदा कहीं नहीं है, अब मैं इस तरफ ही आ जाता लेकिन नेट आता कहीं से, वो ब्रो बच गए कसम से, बिल्कुल डर गया था मैं कि अब क्या होगा खत्म हूँ मैं, लेकिन नहीं वो स्टन ग्रेनेड था, अब जिस बंदे ने स्टन फेंका उसको मैं जवाब दूंगा फ्रैग ग्रेनेड से, लेकिन जवाब बड़ा ही बेकार था, गलत जवाब था एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम ले लेता ना तो मेरे को पता चल जाता बंदा कमरे में है, तो इस बार मैंने टाइम लिया और नेड बिल्कुल सही जगह फेंका, हाँ इस बार भी गलत था लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हुआ ना, बंदे को डैमेज चला गया हल्का फुल्का, और बाकी का भारी डैमेज मैं अपनी गन से देने वाला हूँ, वो देखो सामने टिपे पे ले रहा है, और हाँ उसके पास एस्टल क्या होगा मेरा, ये बंदा लगता है मेरी वीडियो देख रहा है, सारी गोली गाड़ी के मारी भाई ने, देखो यूएस ऑलमोस्ट फटने को रखे भाई, जल चुकी है वो, हद कर दी बंदे ने, चलो मेरे इंग्लिश में 14 किल्स हो चुके थे, अभी मेरे अलावा 4 बंदे बच रहे हैं, कुछ देर बाद 3 बंदे बच जाते हैं, अब मैंने सोचा गाड़ी पकड़ के जोन में निकलते भाई, एक तरह से ओपन में जोन है, दिक्कत हो जाएगी सोलो में, अगर ओपन में जोन हो ना तो भाई मैं बता रहा बहुत मुश्किल होता है वहां पे जीतना, पर कोई नहीं शांति से काम लेंगे, पहला शिकार मेरे सामने आते हुए गाड़ी मैंने ठोक दी, इसको मारते में थोड़ा सा मूव कर दो, क्योंकि मुझे पता था भाई एडब्ल्यू वाला बंदा मेरे को देख रहा होगा, क्योंकि उसने शूट करा था इसकी गाड़ी पे, तभी देखो इसी गाड़ी एकदम से फटने को हो जाती है ना, अब देखो वो मेरे पे भी गोली चला रहा है आप लोग देख सकते हो, और वो इसमें स्नाइपर टावर वॉच टावर जो भी तुम इसको बोलो, अब मैंने सोचा ठीक है भाई बंदा ओम चला रहा है तो मैं घुस जाता बैरल वगैरह लेके, और कसम से यार इस टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंस गिर चुका था यार, बंदे ने कहीं ओम का शॉट मारा, फिलहाल ये बंदा बहुत ज्यादा उत्सुक होगा मुझको मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है मुझे भी पता है मेरी हेल्थ कितनी लो है, वैसे भी देख सकते हो भाई, मैंने सोचा यार जोन आने वाला है बस, देखो कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो चुका है जोन, जोन में निकल लेना सही रहेगा, क्योंकि इसको मार भी दिया तो हो सकता है एक बंदा ऑलरेडी वेट कर रहा होगा जोन में मेरा, तो साहिल कट ले यहां से पकड़ गाड़ी,
और इस बंदे के पास मिड रेंज वेपन नहीं था भाई, को स्कारल चला तो रहा था, ओम पे ओम चलाया जा रहा है। मैं इसका भाई समझ चुका था कि हाँ ये भाई कट्टर स्नाइपर है, ये ओम ही चला के मानेगा, तो इसके इसको मैं थोड़ा सा जान चुका था। देख रहे हो कैसे जान पहचान हो रही है। फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, दिख रहा है, अरे वो देखो साइड में एक बंदा साफ बन रखा मुन्ना, इसको मारते हैं। इंस्टेंटली मैं गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि मुझे पता था भाई देखो जोन आना शुरू हो चुका है, इतनी जल्दी तो वो जोन में आया नहीं होगा। हाँ अगर उसको स्की के फीचर्स का पता होगा, स्की के फीचर का पता होगा तो जरूर आ गया होगा वो। और हाँ ऐसा कुछ होता है, लेफ्ट वाले पेड़ पे देखो, ये देखो ये आ चुका है, लेकिन बंदा हील कर रहा है। मैंने कहा था ना जोन तगड़े वाला काटेगा, इसकी जगह मैं होता यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी मैंने रोकी। मुझे पता था इसके पास AW है तो मेरे को हिलते झुलते रहना है, आई मीन हिलते डुलते, भले एम ना हो लेकिन मूवमेंट बढ़िया रखनी है। बंदे की आंखें तो खुली पर बहुत ही ज्यादा देर से, पर जो भी हो अपन कर दे हैं किचन डिनर। ये वाला मैच में देखो मैं आ रहा हूँ थर्ड हिल में, और नीचे कोई पैराशूट खुलता हुआ दिख रहा है? ना, मुझे तो कोई नहीं दिखाता। फिलहाल मैं अपने फेवरेट वाले घर में लूट लेता हूँ। अब मैं इस वाले घर में आ चुका था, और मैं तुम्हें बताऊँ एक बात, साइड वाला जो घर है ना वहाँ पे ना एक बंदा है। अब तुम जरा सुनो, तुम्हें लगेगा नहीं बंदा है। बंदे ने बिल्कुल फुटस्टेप ही नहीं दिया, लेकिन अब थोड़े बहुत फुटस्टेप देने लगता है क्योंकि मैं आ चुका ना यहाँ पे, थोड़ा अलर्ट होगा, हल्का सा हिलता डुलता और मुझे पता चल जाता है। कसम से यार मुझे समझ नहीं आया बंदे की गोली लगी कैसे नहीं उस कंजस्टेड एरिया में भी, मतलब यार उस कंजस्टेड एरिया में भी किसी से एम ना हो ना तो भाई वो बंदा ना, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द। फिलहाल जो भी हो बंदा देखो कोई सामने से गोली चला रहा था, तो मैं देखो पहले दरवाजा खोलता हूँ क्योंकि मुझे पता था वो ठीक सामने है, हेड दिखा देगा तो बढ़िया भाई मेरे लिए ऐसा का क्या बोला मैं, काम आसान बनेगा। लेकिन नहीं, अब वो हेड नहीं दिखाता, शायद उसे पता चल चुका था मेरे पास K9 है, तो मैं बिल्कुल हथियार पीछे रखे जल्दी से इस तरफ आता हूँ घर में। अब देखो उसे मेरे पेन किलर लगाने की आवाज़ आ रही होगी, और मुझे क्या आवाज़ आती है बेटे, उस बंदे ने ठहर ठहर वाली शॉटगन रिलोड करी है भाई, दो गोली इजीली मार देगा, टिप पे उसके पास तो टिप्स एंड ट्रिक्स सप्लाई करेंगे। अब मैं देखो यहाँ पे चढ़ता हूँ, और हाँ वो बंदे को नहीं पता मैं इस तरफ आ चुका, दरवाजे के उस तरफ वो कवर में है भाई, पोपट होने वाला तेरा। सोच के देखो इतनी मशक्कत करने के बाद भी बंदे ने एक गोली मार दी, यहाँ सामने से आता तो मेरा क्या हाल होता। चलो कोई नहीं, दो ही किल मेरे हो पाते हैं। मैं देखो गाड़ी देना ऑफकोर्स यहाँ पे आऊँगा, लेकिन यहाँ गाड़ी होती नहीं है। अब मैं फिर मुंह उठा के इस तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी गाड़ी नहीं होती। अब आखिरी ऑप्शन एक ही बचा जो कि है वो गैराज इज स्टिक वाला, तो मैं इस गैराज के पास भी आ गया। वेल अंदर की तरफ एक मोटर बाइक तो है, मोटर बाइक क्यों बोला है, ट्रिपल सीटर बोलते हैं। फिलहाल देखो सामने ये पक्का रियल प्लेयर था, देखो मतलब जिस तरह से गोली चली ना, और शक्ल देखो ब्रो ये पक्का रियल प्लेयर है। तो मैं पता क्या करता हूँ, ये देखो भाई मोटर बाइक ट्रिपल सीटर नहीं थी, डाशे थी अंदर की तरफ, क्या देख रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं देखो गाड़ी लेके इसी बंदे के पास आता हूँ, और मैं सोच रहा था भाई ये क्यों छुप रहा है और गोली किस लिए चला रहा है, हो सकता है यहाँ पे कोई बोट हो गया, फिर हो सकता है कोई असली प्लेयर भी हो। अब ये बग्गी में बैठ जाता तो मैं भी इसी के साथ बग्गी में बैठ जाता हूँ, और अब देखना एक तीर से दो निशाने, ये लगा बॉडी शॉट उतरना पड़ेगा। अब मुझे पता था भाई वो बंदा थर्ड पार्टी कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, राम मानुष निकलता है बंदा, तो भाई अपन राम मानुष बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बंदे को मार देता हूँ तभी की तभी, और यहाँ पे कुछ बॉट वगैरह मार के मैं देखो गाड़ी लेके जोन में निकलता हूँ, और मैं देखो सीधा सीधा जा रहा था तभी देखो लेफ्ट से स्टेडियम से मेरे को एक गाड़ी आती दिखती है, तो मैं भी इसी के बीच चल देता हूँ। मैं गाड़ी बिल्कुल पास ले आया, लेकिन ये बंदा उतरना नहीं चाह रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, देखो ये जो बंदे होते हैं ना जो ओपन में बिल्कुल भी उतरते नहीं, गाड़ी चलाते ही रहते हैं, या तो भाई ये बहुत ज़्यादा नूब होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रो। तुम्हें पता होगा बहुत ही ज़्यादा जो प्रो बंदे होते हैं ना वो कभी ओपन में फाइट नहीं लेते, उनको कवर चाहिए और फिर जाके वो फाइट लेते हैं। और नूब्स के साथ भी यही है भाई, उनको डर लगता है कि नहीं नहीं अपन उतरेगा नहीं। फिलहाल ये बंदा भाई देखो पिछले गेम प्ले की तरह कर रहा है, ये लगता है ओल्ड बेसिन आगे लेके जाएगा, हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। लेकिन नहीं, ये बंदा रुक जाता है। नहीं नहीं बंदा नहीं रुकता, गाड़ी रुकती है, फ्यूल खत्म हो चुका था ना। अरे भाई अब तो उतर जाए यार, फ्यूल खत्म हो गया उसका, क्या ही बंदा था यार, इसकी क्यों मिला मेरे को। सच में साथ खेल रहता तो मैं खुश रहता, लेकिन ये बंदा नहीं मिलना चाहिए था। फिलहाल मैं देखो गाड़ी लेके बहुत जगह घूम रहा था, तुम सोच रहे हो तो वापस से उसी एरिया में आ गया, लेकिन नहीं यार मैं काफ़ी जगह घूमा, मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल बोर हो चुका था, पक चुका था। मैं सोचा अब क्या करूं यार, कुछ पागलपंती तो करनी है, तो मैं ये देखो ये पागलपंती कर रहा था। फ्यूल खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी हल्की फुल्की चल रही थी, रिजर्व का पेट्रोल यूज़ हो रहा था क्या। नहीं 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 ग्रेविटी यार, ग्रेविटी काम कर रही थी यहाँ पे, इसलिए तो पबजी को इतना रियलिस्टिक माना जाता है। तो मैं भी यही पंती कर रहा था, ठीक है जाने दो जाने दो। ब्रेक लगाया, स्टार्ट करी वापस। अब देखो ग्रेविटी की वजह से मुझे पता है गाड़ी नीचे जा रही है, लेकिन देखो काफी सही स्पीड में जा रही है यार। मुझे लग रहा था कि यार गाड़ी का कुछ इस्तेमाल हो रहा था, क्यों ना एक बार मैं वापस ऊपर ले जाके देख तो क्या पता चल जाए, लेकिन नहीं 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 हक दिया गाड़ी ने, नहीं हुई गाड़ी की बस की। अब देखो जब मैं फिजिक्स की क्लास दे रहा था ना, तो मुझे एक बंदा स्पॉट कर लेता है,
चलो तो भाई इस नए एवेंजर को मैंने यहाँ पे पूरा फिनिश करा। अब मेरे अलावा चार बंदे बच रहे थे, अब कुछ देर बाद वापस से तीन बंदे बच जाते हैं। पिछले मैच भी ऐसा होता, चार बंदे बच रहे थे फिर तीन बंदे बच जाते हैं। अब मैं देखो कहीं ना कहीं से बग्गी का इंतजाम कर लेता और मैं बग्गी लेकर जोन के बॉर्डर पे था बिल्कुल, कि हाँ कहीं से मेरे को बंदे आते दिख जाए क्योंकि जोन में तो मेरे को कोई बंदा दिख नहीं रहा था। अब देखना मैं थोड़ा जोन में निकलने का सोचता और वो देखो वहाँ पे एक डाशी आ चुकी है। देखो तभी मैं उतरा क्योंकि ये डाशिया पहले नहीं थी यहाँ पे, पर देखो वो जल रखी थी तो मुझे लगा भाई पहले की होगी ना तभी तो जल रखी है। तो मैं निकलता हूँ और देखो एक गिली सूट में बंदा दिखा यार मेरे को यहाँ पे। और दोनों के दोनों बंदे मुझ पर ही शूट कर रहे थे तो मैं समझ गया भाई इनका मेल मिलान हो चुका है। सरल भाषा में बोले तो टीम अप, इंग्लिश भाषा में बोले तो टीम अप। फिलहाल एक को बॉडी शॉट दिया, उसके टीम ने पूरा ट्राई करा भाई कवर देने का, लेकिन भाई नहीं दे सका, वो नहीं बचा सका क्योंकि ये सोलो है ना भाई, यहाँ पे बंदे फिनिश होते हैं, नोक नहीं होते। अगर नोक करने हैं तो अपना डुओ जाके खेलो, यहाँ टीम अप करके सोलो बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये मैं से तो कह नहीं रहा, वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल देखो इस बंदे के पास गिली सूट है, AWM है, तो मुझे नहीं पता बंदा कहाँ साफ बन रखे, तो इजिली मेरा सर फोड़ सकता है। तो सही रहेगा मैं गाड़ी लेके निकलूँ, क्यों गाड़ी लेके निकलूँ, गाड़ी जैसे लूँगा उसको पता है मैं यहाँ पे हूँ तो वो गाड़ी जैसे देखेगा शूट करेगा और मुझे पोजीशन का पता चलेगा। अब पता तो चल चुका था मुझे वो है किस तरफ, देखो पीछे हल्का सा दिखता भी है वो अगर आप लोगों ने गौर से करा हो, और उसको भी मैं दिख चुका हूँ। हाँ हाँ देखा ना वो गोली चलाता है वहाँ से। अब मैं देखो हील करते हो जल्दी से क्योंकि पीछे से जोन आने वाला था भाई, और जोन छोटा हो चुका है तो तगड़े वाला काटेगा अब। तो मैं देखो स्की करके निकलता हूँ और भाई भाई ये बंदा मार कर रहेगा मेरे को, यूं नहीं जोन में निकल जाए, कोई नहीं अब मैं यहाँ कवर लेता हूँ। मुझे पता था वो ठीक सामने कहीं है, एग्जैक्ट तो कैसे पता चलेगा भाई साउंड से कि हाँ एग्जैक्ट यहीं पे बंदा। डेड डेविल थोड़ी ना अपन, स्मोक वगैरह मैंने फेंक दी जिससे मैं इजीली आगे से कोई गाड़ी वगैरह में फिर कुछ कवर तो मेरे को मिलेगा। जैसे मेरी स्मोक होल बनती है स्की करके मैं आगे निकला और इस गाड़ी तक सही सलामत पहुंच जाता हूँ। ये गाड़ी लेके मैं निकलता हूँ और शायद उसकी एक एम ओम की बुलेट में ना मैं फट सकता हूँ, गाड़ी फट सकती है। ओके ओके शांत मुन्ना शांत, इसके एक शॉट मारने का ट्राई करा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक क्विक शॉट। और यार कर दे किचन डिनर। अब इस वाले मैच में नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि उससे पहले ये देखो क्या ही मस्त स्की करके मैं गया हूँ, मेरे ख्याल से इससे ऊपर मैं आज तक नहीं गया भाई, क्या ही कमाल का नजारा सच में। स्की वाला फीचर ना भाई नहीं जाना चाहिए अगर गलती से कोई नया अपडेट आ भी जाता है तो। अब देखो इस वाला मैच में मैं आइलैंड पे आया था और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा आता है जो कि मेरे ठीक सामने ये रहा, देखो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ यही एक बंदा आता है यहाँ पे। फिलहाल देखो थोड़ा लूट वगैरह कर लेता हूँ, बहुत मस्त मैंने लूट लिया और अब गोलीबारी होती है। कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा आया था, तो वो बंदा बिल्कुल गलत था भाई, यहाँ पे दो बंदे आया था। ये शॉटगन वाला उसको मार देता और शॉटगन वाले को कौन मारेगा, यस अपन। एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि मुझे सिर्फ एक किल मिलता है, तो हाँ मुझे सिर्फ एक किल मिलता है। मैं देखो आगे से कहीं से गाड़ी ले लेता हूँ और गाड़ी लेके मैं इस वाले सिंह डेल्टा वाले थोड़ी एरिया में आ चुका था और लेफ्ट में देखो दो दो गाड़ियाँ चल रही है, तो मैं उतरा किसी एक पे एक को डैमेज देने के लिए। पर अगर आप लोगों को आवाज़ आई हो भाई साइड से M4 भी चलती है, तीन बंदे हो चुके हैं एक तरह से, दो तो गाड़ी हो गई और वो M4 वाला थर्ड पार्टी हो सकता था मस्त। तो मैंने सोचा भाई एक बारी में सिर्फ एक से लड़ते हैं, तो मैंने इससे लड़ना डिसाइड करा और गलत डिसीजन था। अगर आप लोगों ने गौर करा हो ना तो इस बंदे के पास दोनों शॉटगन ही थी, दोनों की दोनों स्टिल के, सोच के देखो गलती से यहाँ से अगर ये बच जाता मेरे से तो मैं तो खत्म था भाई दूसरी शॉटगन से। फिलहाल देखो मैंने गाड़ी पकड़ ली और मैं जंकी यार्ड में ही घूम रहा था। और हाँ आपको बता दूँ मेरे को AWM मिल चुकी थी और अब मैं देखो थोड़ा फ्लेयर ड्रॉप की तरफ देख रहा था ऐसे, लेकिन भाई मेरे सामने से एक रियल प्लेयर गुजरा यार। तो मैंने सोचा भाई यहाँ कवर में रोक लेता हूँ, तो वो मतलब पत्थर के पास है क्या पता हेड वगैरह दिखा दे, तो मेरे लिए आसानी होगी और स्नाइपिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत। पर मैं यहाँ से हट जाता हूँ क्योंकि तो बुशेस थे, क्या पता वो बंदा मुझे देख रहा और मैं ना देख पा रहा हूँ उसे। बड़ी आसानी के साथ इस बंदे को भी मैंने यहाँ पे मार दिया, काफी समय बीत चुका था। मैं देखो गाड़ी लेके यहाँ आ चुका था, यहाँ पे एक और फ्लेयर ड्रॉप आ रखा था, तो मैंने सोचा ठीक है भाई एक और ड्रॉप लूट लेते हैं। लेकिन देखो लेफ्ट वाले घर में एक बंदा दिख रहा था मेरे को और ये जिस तरह से चल रहा था मुझे समझ चुका था, मैं समझ चुका था कि पक्का रियल प्लेयर है। तो मैंने सोचा खुद को थोड़ा एक्सपोज करता हूँ, फिर बंदा शक्ल दिखाएगा और मैं इसके हेड मार दूंगा, लेकिन बंदा दिख नहीं रहा कहीं। ओ भाई कहाँ मैं बंदे के हेड के लिए जा रहा था, लेकिन बंदा तो ऑलरेडी खुद को पूरी तरह से एक्सपोज करे बैठा था भाई, सर से लेके पैर तक। फिलहाल जो भी हो डबल डिजिट किल मेरे हो चुके थे। अब मैं देखो गाड़ी लेके इस कॉर्नर की तरफ आ जाता हूँ, मतलब बंदों की रिसर्च में था भाई, कोई दिख जाए हॉर्न वगैरह बजाए मैंने, क्या बता दो कहीं पे हो तो फुटस्टेप दे दो, फाइट करेंगे मस्त। और फाइनली यहाँ से फुटस्टेप आता है और ये जिस तरह से फुटस्टेप आ रहा था ना मुझे लगा भाई शायद ये असली है क्योंकि हल्का हल्का खिसट रहा था बंदा, तो मुझे लगा भाई टीपी ले रहा है मस्त यहाँ पे। और ये देखो मैं इतना सतर्क हो रहा है, अलर्ट बिल्कुल हाँ रियल है भाई, टीपीपी ले रहा होगा और ये बॉट निकलता है। फिलहाल अब ये पक्का रियल प्लेयर है भाई, ठीक है ये तो पक्का रियल प्लेयर है और मैंने सोच लिया था कि इसको AWM से ही मारूंगा मैं।
here, but you're not. Those drinks bring back all the memories of everything we've been through. Those are the ones in today. Those are the ones that we lost on the way. Those drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories.